हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज का क्वेश्चन नंबर वन, जो क्वेश्चन नंबर वन है ये गेट 2018 का क्वेश्चन है। गेट 2018 ये क्या था बता, आपके पास एक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, जिसमें इनपुट वोल्टेज की वैल्यू गिवन था, वीआईटी की वैल्यू गिवन था। क्या वैल्यू गिवन था? 5 - 10 कॉस ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, ये आपके पास गिवन था। और एक आपके पास आईआईटी करंट की वैल्यू, इनपुट करंट की वैल्यू गिवन था, ये था 5 + x कॉस ओमेगा टी, दिस वन, वेयर ओमेगा इक्वल टू 100 π rad/s, इट्स ओके, 314 rad/s, ये मतलब 100 π होता है। ये बोला था कि एवरेज पावर डिलीवर टू द सर्किट इज इक्वल टू जीरो, एवरेज पावर डिलीवर टू सर्किट इज इक्वल टू जीरो, इट्स ओके। तो वैल्यू ऑफ एक्स आपको फाइंड आउट करना था, और एक इलेक्ट्रिक सर्किट था, एक इलेक्ट्रिक सर्किट था, और इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बारे में ऐसा दिया हुआ था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द वी आई टी और आई आई टी जी, और x की वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन जो था वो x की वैल्यू पे था कि द वैल्यू ऑफ x, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो एम्पियर होना चाहिए बिकॉज करंट, तो द वैल्यू ऑफ x लिखा था, बस द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, ओके। x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था, x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना, ध्यान से रखते रहना। अभी मेरे पास क्या है कि इनपुट वोल्टेज कॉम्बिनेशन ऑफ डीसी प्लस एसी, अगर मैं बोलूं कि सर इनपुट वोल्टेज क्या है, तो मैं बोलूंगा कॉम्बिनेशन ऑफ डीसी प्लस एसी। आप बोलोगे ठीक है सर, करंट क्या है, तो करंट भी डीसी प्लस एसी दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, चलेगा, डीसी प्लस एसी का दोनों का कॉम्बिनेशन है, वोल्टेज भी और करंट भी, ठीक है, ओके। अब अगर मैं बोलूं आपके पास कि सब परफेक्टली होना चाहिए, लाइक अगर ये सिग्नल इफ इनपुट वोल्टेज अगर सिर्फ 5 होता और इनपुट करंट सिर्फ 5 एम्पियर होता, कोई बात ही नहीं है। क्यों बात नहीं है? क्योंकि दोनों के बीच का कोई एंगल नहीं है। तो फिर एवरेज पावर या सिंपली टी एक्टिव पावर, तो सिंपली V0 into I0 वोल्टेज इंटू करेंट का प्रोडक्ट 25 वॉट हो जाता। या फिर आपको लिखना है कि ये डीसी वैल्यू, अगर आपको ऐसा लिखना है कि नहीं सर मैं ऐसा लिखना चाहता हूं, Vrms Irms cos phi s, where phi s equal to 0, सिर्फ ये डीसी टर्म्स होते हैं, 5 वोल्ट और 5 एम्पियर, बस मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये डीसी ही आरएमएस होता है, ऐसा नहीं कि डिवाइड बाय रूट टू कर दिए, 5 और cos phi की वैल्यू 1, तो 25 वॉट होता। ये बड़ा आसान है आपके पास, ये बड़ा आसान है। क्या आसान है? सिंपली अगर मेरे पास सिर्फ डीसी होता, तो वोल्टेज आपके पास डीसी कंपोनेंट है, करंट आपके पास डीसी कंपोनेंट, रिजल्टेंट विल बी दिस, इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट, इनपुट करंट इज 5 एम्पियर, नो प्रॉब्लम। ध्यान देखते रहना, बोला जस्ट आप देखते रहना, ठीक है, आज आपकी मोटिवेशन की मिनट रहेगी, मेरा ध्यान बार बार इसमें ना जाए, तो इसलिए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं सर क्वेश्चन ये नहीं होता, क्वेश्चन सर सिर्फ ये होता कि सिर्फ एसी टर्म्स होता, वीआईटी की वैल्यू सिर्फ इतना लिखा होता सर कि -10 cos ωt + 60 डिग्री, ये ऐसा लिखा होता, और इनपुट करंट की वैल्यू सर, इनपुट करंट की वैल्यू ये लिखा होता x cos ωt, ठीक है, ओके, ठीक है सर। अगर मैं बोल रहा हूं कि चलो मेरे को पावर की जरूरत है, यहां पे एवरेज पावर या सिंपली पावर या एक्टिव पावर, द Vrms Irms cos phi s, वेयर phi s इक्वल टू 60 डिग्री, वी आर एम एस इक्वल टू इज द -10√2। कोई बोल भी सकता है कि सर हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं भाई सर, हम तो जानते हैं सर, हमको तो बताया गया आज तक कि आर एम एस वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, सही बताया गया आपको, cos 60 डिग्री, तो -10x/2, और cos 60 डिग्री जो होता है वो 1/2 होता है, ये 10x, तो -10x/4 आ गया। तो मैं बोलूंगा कि आपको सही बताया गया, आरएमएस वैल्यू एक इफेक्टिव वैल्यू होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, सही बात है, आरएमएस वैल्यू एक्चुअली नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता, सही बात है, जो बताया आपको सही बताया कि आरएमएस वैल्यू, सर आप तो ले लिया आरएमएस वैल्यू, हाँ मैं ले सकता हूँ, क्या बोला मैं आपको, जो बताया कि आरएमएस वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, मैं बोला सही बताया, हर जगह लिखा आरएमएस वैल्यू जो होता है
वो एक पॉजिटिव वैल्यू होता है क्योंकि इफेक्टिव वैल्यू होता है, सही बताया। बट आप तो सर नेगेटिव ले लिया, हाँ मैं ले सकता हूँ बोला, मैं ले सकता हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं इसको प्रॉपर मैनेज नहीं किया, मैं माइनस टेन को ही उठा लिया, मतलब उठा लो यार माइनस टेन को। एक्चुअली मेरे को क्या करना चाहिए था, देखो ध्यान से देखना, मेरे को क्या करना चाहिए था, जो इनपुट वोल्टेज है उसको प्रॉपर फॉर्म में रखना चाहिए था कि टेन कॉस, ये रखना चाहिए टेन कॉस 180 माइनस थीटा, जब मैं करता हूँ 180 माइनस थीटा जब मैं करता हूँ ओमेगा टी प्लस 60, ये दिस वन, तो कॉस 180 माइनस थीटा ना, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता, सही आ गया। इसको अगर मैं लिखूं कि सर ये क्या है, तो टेन कॉस ये आ गया सर माइनस ओमेगा टी, और ये आ गया सर 120 माइनस ओमेगा टी, 120 डिग्री माइनस ओमेगा टी, ऐसा आ गया। सर इसको तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा, टेन कॉस ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, बिल्कुल कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो टेन कॉस ओमेगा टी माइनस 120 लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं प्रॉपर्टी क्या यूज किया, मैं यूज किया भाई कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू द माइनस कॉस थीटा, एक ये प्रॉपर्टी यूज किया, एक प्रॉपर्टी यूज किया कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ये एक प्रॉपर्टी यूज किया, ओके। तो इनपुट वोल्टेज फाइनली, इनपुट वोल्टेज की वैल्यू फाइनली मेरे पास विदाउट साइन चेंज, साइन को हटा लिया, 10 कॉस ओमेगा टी माइनस 120 था। तो कोई बोलेगा ठीक है सर, उनका इनपुट करंट तो सही था ना, हाँ सर इनपुट करंट सही था, इनपुट करंट क्या था, एक्स कॉस ओमेगा टी था। चलो अब बताओ पावर की वैल्यू, तो ठीक है सर एक्टिव पावर लिख लेते हैं, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइ एस, फाइ एस जो होता है वो वोल्टेज का एंगल माइनस करंट का एंगल होता है, करंट का कोई एंगल नहीं, वोल्टेज का एंगल माइनस 120। तो वी आर एम एस कितना है सर, 10 बाय रूट 2 है सर, वी आर एम एस इंटू, ये इंटू का साइन है ना, ये कितना है कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स बाय रूट 2 इंटू कॉस, वोल्टेज का एंगल माइनस करंट का एंगल फर्क नहीं पड़ता माइनस से, तो कॉस माइनस 120 डिग्री। तो बता आपके पास 10x बाय 2 आ गया और कॉस 120 आ गया, फिर जब मैं बोला कि चलो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता, कॉस 120, कॉस 120 की वैल्यू माइनस 1 बाय 2 होता है, तो 10x बाय 2 था और ये माइनस वन बाय टू आ गया, तो आप बोल सकते हो सर माइनस 10x बाय 4 आ गया। ये वही आंसर है जो मैं वो लिखा था, इसलिए बोला मैं कर सकता हूँ बोला वही आंसर, देखो ध्यान से। तो बोलेगा सर कल तो आप बात कर रहे थे सर कि जो एंगल होता है आपके पास फाइव एस, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है फाइव एस का, वो नॉर्मली जो फाइव एस का मैग्नीट्यूड होता है वो 90 से कम होता है, हाँ कोई भी सर्किट डिजाइन कर लो, बट हम अगर एक फेजर सर्किट खुद अगर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो कितने भी एंगल की बात कर सकते हैं, और भी आपको पता चलेगा कुछ 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 चीजें, कितने भी एंगल की बात कर सकते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच का कितना एंगल है। देखो आपके पास माइनस 10x बाय 4 है, मैं अभी क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं किया कि क्वेश्चन है क्या, मैं तो बस आपसे यह बात कर रहा हूं कि अगर वोल्टेज 5 और 5 एम्पियर रहता तो बड़ा आराम से कोई बोलता कि पावर कितना 25 वाट यार, बिकॉज डीसी डीसी मल्टीप्लाई हो जाते, बिकॉज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट विल बी 0 डिग्री, 25 वाट, यस। अगर आपके पास सिर्फ एसी कंपोनेंट्स है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हमको या तो इतना कॉन्फिडेंस हो कि माइनस 10 बाय रूट 2 लिखूं, लेकिन फिर क्लियर रहे कि आरएमएस वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन आप अगर बहुत जानते हो तो फिर सब होता है। ये माइनस 10x बाय 4 वॉट आंसर है, माइनस 10x बाय 4 वॉट ये आंसर है। या फिर आपको यह क्लियर रहे कि ठीक है मैं मैथमेटिकली बड़ा गुड हूं सर, मैं माइनस को हटा दूंगा, कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सब यूज कर डाला, तो भी माइनस 10x बाय 4 है। ये दो अलग अलग चीज सॉल्व किया हमें, बट हमारा क्वेश्चन क्या था, कॉम्बिनेशन था, देखना ध्यान से, हमारा क्वेश्चन क्या था, कॉम्बिनेशन था, बोला कॉम्बिनेशन, क्या कॉम्बिनेशन था, हमारे पास जो दिया था डीसी प्लस एसी का फॉर्म दिया था, तो मैं इसको क्या बोलता हूं कि वोल्टेज को आप चेंज करके लिख लो, अच्छा लगेगा, वोल्टेज को चेंज करके लिख लो, क्या चेंज करके लिख लो, 5 माइनस को प्लस करो 10 कॉस ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री लिख लो, बोला चेंज करके लिख लो, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो आपके पास अगर ये वोल्टेज और ये करंट है आपके पास, तो क्लियर रहना चाहिए कि अगर मेरे को पावर की बात करना है कि कितना पावर होगा आपके पास, और पावर डिलीवर्ड हमारे पास 0 दी है, तो पता आपके पास पावर, आपके पास जो होगा एवरेज पावर, पावर डिलीवर्ड या एवरेज पावर, जब आपके पास दो डीसी और एसी कंपोनेंट मल्टीप्लाई होते तो आप आराम से वी नॉट आई नॉट लिख सकते हो, और वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई लिख सकते हो एकदम आराम से, कॉस फाइव एस। अगर मैं बोलूं कि क्या आया ये, तो पता है वी नॉट इंटू आई नॉट का जो प्रोडक्ट है, पहला वाला जो पार्ट था 25 आया, और सेकंड वाला प्रोजेक्ट या सेकंड वाला पार्ट अलग अलग दो स्टाइल से सॉल्व किया, माइनस 10x बाई 4 आया, माइनस 10x बाई 4 आया, एक्चुअली ये गिवन था 0, एक्चुअली ये गिवन था 0 की भैया पावर डिलीवर जो है सर्किट को, जो एवरेज पावर डिलीवर था सर्किट का 0, तो 0 कर दिए। तो 10x बाई 4 कितना आया,
10x बाई 4 इक्वल टू 25 आया, ये तो x की वैल्यू कितना हो गया 100 बाई 10, तो 10 आ रहा है भाई, एक्चुअली 10 एम्पियर है, यूनिट नहीं लिखा था इस क्वेश्चन में, 10 एम्पियर, तो x इक्वल टू 10 है, 10 एम्पियर, बिकॉज x इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस ओमेगा टी ऑफ द करंट दिस वन। तो मैं क्या किया, मैं बोला कि देखो पहले मैं आराम से बात करता हूं कि अगर डीसी रहता तो ये होता, एसी रहता तो ये होता, वी आर वेरी कंफर्टेबल विद द डीसी, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम हो नहीं सकता है, ऑल्सो वी आर कंफर्टेबल विद एसी, बोथ आर प्योर कोसाइन और साइनोसोडल सिग्नल, इज वेरी सिंपल, इज द एक्टिव पावर और एवरेज पावर, वेरी सिंपल, बट इफ कॉम्बिनेशन ऑफ डीसी एंड एसी, हम क्या कर सकते हैं, डीसी डीसी का पावर और एसी एसी का पावर इज द एवरेज पावर, इसका मतलब है मैं दोनों को पहले अलग अलग सॉल्व किया, दोनों कंबाइन था तो दोनों का देखो लिख लिया, बोला 10 एम्पीयर, सिंपल 10 एम्पीयर आ गया। तो कई बार ना ऐसा होता है कि हमको समझ ही नहीं आता कि अरे इसमें हम क्या करें क्या करें क्या करें, कुछ भी नहीं, इज वेरी सिंपल, डीसी और डीसी का पावर 25 वॉट है और इसका पावर आपके पास माइनस 10x बाई 4 था और x की वैल्यू आप निकाल लिए 10 एम्पीयर और न्यूमेरिकल आंसर था, तो 10 से 10 इसका रेंज था, तो 10 पुट कर दिए, बोला 10 पुट कर दिए। अब ये क्वेश्चन हो गया कि ये एक नॉलेजेबल एक स्टूडेंट एक नॉलेजेबल टीचर के लिए तो ठीक है, ये जितना मैं सॉल्व किया एक नॉलेजेबल टीचर एक नॉलेजेबल स्टूडेंट के लिए ठीक है, बट अगर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं क्लिक नहीं कर रहा भाई, हम एक ऐसी प्रॉब्लम में है कि हमको क्लिक ही नहीं कर रहा है, नहीं क्लिक कर रहा हमको कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, डीसी एसी हम तो पढ़े थे, हम जब पढ़े थे तो पूरा एसी एसी पढ़ते थे, दोनों सिग्नल एसी रहते थे सर, एग्जाम वाले सर डीसी और एसी को मिला दिए सर, ये तो टेंशन वाली बात हो गई, सपोज ये तो टेंशन वाली बात हो गई, तो मैं बोल रहा हूं कि क्या हम क्या यूज करेंगे, तो मैं बोल रहा हूं कि ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे, क्या बोला अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ब्रह्मास्त्र 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 वो था ना, मतलब जब वो अप्लाई होगा तो फिर सब खत्म, तो ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे, जब भी आप प्रॉब्लम में हो और आपको लगता है कि कुछ गलत हो सकता है तो ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे अपन, पावर का क्या चीज, क्या देखो ध्यान से, क्या चीज ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे हम, क्या ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे, मैं बोला कि बिंदास से सब छोड़ो, ये हो सकता है किसी इंटेलिजेंट स्टूडेंट का स्टाइल हो सकता है किसी इंटेलिजेंट टीचर का स्टाइल हो, वापस आओ इधर, मैं बोल रहा हूं वोल्टेज और करंट है, आपको एक चीज तो क्लियर रहना चाहिए, क्या किसी भी साइन और कोसाइन का टाइम पीरियड 2π होता है, पहला चीज, किसी साइन या कोसाइन को लीड या लैग करने से टाइम पीरियड चेंज नहीं होता, किसी डीसी कंपोनेंट को ऐड करने से डीसी कंपोनेंट को ऐड करने से वो लेवल अप होता है, क्लैंप हो जाता है आपके पास, टाइम पीरियड चेंज नहीं होता, तो क्या मैं किसी साइनोसोडल सिग्नल में डीसी ऐड कर दूंगा तो क्या टाइम पीरियड चेंज होता, नो नो नो, क्योंकि डीसी ऐड करने से सिग्नल पॉजिटिव डीसी ऐड करोगे तो सिग्नल ना उठ जाएगा, अगर मैं 10 अगर यूज करूंगा एक साइनोसोडल जो रेफरेंस जिसका जीरो है वो 10 से ऊपर आ जाएगा, यही मतलब होता है, तो टाइम पीरियड चेंज नहीं होता, तो किसी सिग्नल के लीड या लैग करने से, यस, किसी सिग्नल में डीसी ऐड करने से उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होता, अगर मैं से कोई बोले कि सर ये इनपुट वोल्टेज का टाइम पीरियड कितना, तो मैं बोलूंगा भाई 2π है बिकॉज द कोसाइन सिग्नल, सर ये इनपुट करंट का टाइम पीरियड करिए यार, कोसाइन सिग्नल साइन सिग्नल का टाइम पीरियड 2π, यस आ जाओ एवरेज, यहां देखेंगे अब एवरेज पावर, सर आप बोले थे सर 1/2π लेना, 0 to 2π लेना, और सर वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देना, बिंदासी से मल्टीप्लाई करो सर, ठीक है चलो सर, ठीक है मल्टीप्लाई तो कर देंगे, बट ना सर वो दो दो टर्म से सर, तो चार टर्म बन गए, अरे करो ना मजा आता है सबको, चार टर्म होंगे, दो और दो चार टर्म से, तो पहला टर्म पता है आपके पास, लिखता हूं इसको हटा देता हूं, मेरे को जरूरत पड़ेगी इस स्पेस की, इस जगह को हटा देता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा, मजा इसी में जब हम चीजों को जनरलाइज फॉर्म में जानते हैं, आंसर का मजा नहीं है, ये देखो हटा रहा हूं इतने पोर्शन को, थोड़ा सा हटा दे रहा हूं बस, इतना नोट कर ली होंगे आई होप, तो मैं बोल रहा हूं कि जब भी आपको लगे कि यार आप प्रॉब्लम में हो, कोई आपको ना ट्रैप करना चाहता, कोई फंसाना चाहता है, आप मेरे को याद करना, क्या मेरे को आप याद करोगे, मैं बोल रहा हूं यार चार टर्म है ना, मजा लेना, मैथ्स का मजा लेते हैं अपन, 5 × 5 25, यस सर 25, 5x cos ओमेगा टी, यस सर 5 को मल्टीप्लाई कर दिया मैं, -10 × 5 तो -50 सर, -50 cos ओमेगा टी +60° सर, ठीक है सर, -10x cos ओमेगा टी +60° into cos ओमेगा टी, ये डी ओमेगा टी, ये डी ओमेगा टी, पता है ये चार टर्म दिख रहे हैं आपको, चार नहीं ये पांच है, फर्स्ट एक ही टर्म है, सेकंड एक ही टर्म है, थर्ड एक ही टर्म है, बट वो दो कोसाइन सिग्नल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या हम दो का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं सर, इतना क्यों नहीं कर पाएंगे, बचपन से करते आ रहे, दो कोसाइन ये डीसी और टर्म से मल्टीप्लाई कर दिए, अब मेरे को बताओ
इसकी वैल्यू कितना होगा, कल ही बात कर रहा था, कल का क्लास सब लोग अटेंड किए होंगे, इसकी वैल्यू जीरो होगी। इंडिकेट करोगे तो भी जीरो आएगा, कोसाइन का इंडिकेट करोगे साइन ओमेगा टी आएगा, जीरो टू पाई आएगा जीरो। इसमें मजा नहीं है, वो तो 11 क्लास का बच्चा भी कर सकता है कि कॉस ओमेगा टी को इंडिकेट कर भाई, जीरो से टू पाई पुट कर, वो बोलेगा सर जीरो आ गया। वी आर इंजीनियर, हम बोलेंगे कि कॉस ओमेगा टी का जीरो टू पाई इज ऑलवेज जीरो, बिकॉज इंटीग्रेशन मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन दैट इन द एरिया, और किसी भी एक टाइम पीरियड में साइन और कोसाइन का एरिया जीरो होता है। गया गया खत्म, ये कॉस ओमेगा टी प्लस 60 एरिया विल बी जीरो। लीड या लैग करने से एरिया चेंज नहीं होता। अरे यार चार में से दो तो वैसे जीरो हो गया, चार में से दो तो वैसे जीरो हो गए, अच्छी बात है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो माइनस टेन एक्स से टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बोलो, टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला कितना होता है, टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बोलो, टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लिखो फटाफट फटाफट लिखो, टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला कितना होता है आपके पास, वी आर इंजीनियर, टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बताओ 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 बताओ, टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बताना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बचपन से जितना पढ़े, सब काम की चीज है, सब काम की चीज है। बोला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होता है, कोई लिखा है कि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, दो लोग अलग अलग लिखे हैं, कुछ लोग तो सर्च कर रहे होंगे गूगल में, कुछ लोग गूगल में सर्च कर रहे होंगे, गूगल में सर्च करने के बाद लिखे आप, क्योंकि आपके लिखने का स्टाइल कुछ लोगों का गूगल के स्टाइल का है। तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, यही होता है, होता है नहीं होता है यार, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होता है। ये कुछ लोग डिवाइड किए, इसका मतलब है कुछ लोग गलत लिखे, कुछ लोग को क्लिक कर गया, ऐसे सोचे उनको नहीं पता था कि सही है कि नहीं, लिखे और सही था उनका, कुछ लोग गलत लिख रहे थे सारे लोग, कुछ लोग गूगल सर्च की हेल्प लिए, जानता हूं मैं आपको, आपको जानता हूं आप कैसे सोचते हो, कई लोग को बहुत टेंशन हो जाता है। अगर फ्यूचर दाव पे लगाओ कि टू कॉस से कॉस भी कितना होता, फ्यूचर दाव पे लगाओ, फ्यूचर दाव पे लगाओ, तो फिर तो रिस्क ही रिजल्ट है। जबकि बचपन में ये बड़ा इजीली सबको पता था, जितने भी इंजीनियर है, जितने भी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के लोग, पता था ना सबको, पता था सबको, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी है, ठीक है। कुछ लोग गूगल की हेल्प लिए, ठीक है, इट्स ओके, कभी कभी स्मार्ट स्टूडेंट भी बनना पड़ता है तो गूगल की हेल्प ले भी सकते हैं, लेकिन फिर भी एक इंजीनियर को पता चलना चाहिए यार। तो क्या होगा पता है, टू कॉस ए कॉस बी, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मस्त मजे से देखते जाओ, टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। वन अपॉइंट टू पाई है, वन अपॉइंट टू पाई है, एक अपने पास इंटीग्रेशन है जीरो से टू पाई, 25 मस्त सॉल्व हो जाएगा, कर लेंगे। टू कॉस ए कॉस बी किया तो पता है माइनस 5x आ गया, क्यों, टू गया ना यार, टू गया ना 10 में से, टू कॉस ए कॉस बी कितना हो गया पता है, कॉस ए प्लस बी आ गया, कॉस पता है जब मैं ऐड किया तो कितना हो गया पता है, कॉस ए प्लस बी टू ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, फिर पता है कितना आ गया, प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी कितना हो पता है, ओमेगा टी कैंसिल आउट हो गया, कॉस 60 आ गया, ये हो गया आपके पास डी ओमेगा टी। पहले चार टर्म थे, चार में से दो जीरो हुए बच्चे, दो टर्म, अब तीन टर्म हुए उसमें से भी एक टर्म जीरो हो गया। सर कैसे, अरे किसी भी कोसाइन का कोई भी फ्रिक्वेंसी हो, कोई भी एंगल हो, एवरेज वैल्यू इज ऑलवेज जीरो, खत्म करो उसको, बचा आपके पास दो नंबर। सर जो दो नंबर बचा 1.2 पाई बाहर है, 1.2 पाई बाहर है सर, और 25 का इंटीग्रेशन सर ओमेगा टी हो गया, लिमिट 2 पाई माइनस 0 हो गया 25 में, ठीक है सर। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है माइनस 5x, कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 1/2 होता है, डी ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई माइनस 0 हो गया सर। 2 पाई से डिवाइड करो, 2 पाई से डिवाइड करो तो पता है कितना आपके पास है, 25 2 पाई से डिवाइड करो तो माइनस 5x/2 है, पता है। और यही वैल्यू आपके पास गिवन था जीरो, ये गिवन था यही वैल्यू जीरो, जब ये वैल्यू गिवन जीरो था आपके पास तो देखो ना कितना आ गया यार, कितना आ गया, x इक्वल टू 10 आ गया, देयर इज नो नीड ऑफ एनी नॉलेज, बस बचपन का मैथ्स अच्छा आना चाहिए, बचपन का मैथ्स अच्छा आना चाहिए। कोई बोलेगा सर बचपन का मैथ्स भी भूल गए, जब हर चीज बचपन का भूल गए तो फिर क्या ही बोलूं मैं, अब मजा आया कि नहीं बताओ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कल हम परेशान करेंगे, कोई ट्रैप करेगा, कोई गजब का क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे, उसको हम ऐसे ही डाउन कर देंगे, कैसे, जस्ट आपको क्या होना चाहिए, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करो, बेसिक मैथ्स बड़ा अच्छा आना चाहिए, मेरी स्टाइल में सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए आपको, नॉर्मली 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नॉर्मली 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इतने से काम चल जाता, बट फिर भी मैं बोलूंगा आपके पास कि 2 साइन ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, ये बेसिक रिजल्ट पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बोला देखो ध्यान से, गेट 2016 का क्वेश्चन है। कई बार लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं कि पावर टाइम्स में करेंगे, बट मैं नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं कि
पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो चाहे नेटवर्क हो, या नेटवर्क की फीलिंग का पार्ट हो सकता है, 10 sin ωt है, और I of t एक वोल्टेज और एक करेंट है, पता आपके पास, देखते रहना मैं जो जो बात करूंगा, 10 sin ωt − 60। ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, अगला क्वेश्चन आपको दूंगा, तो आप इसमें ना पूरे प्रॉपर मैं जो जो बोलूंगा नोट करते जाना, 2 sin 3 ωt प्लस 5 sin 5 ωt, ये द एवरेज पावर कंज्यूम बाय द लोड बोला है, एक लोड के क्रॉस में वोल्टेज और करंट का इक्वेशन है, एवरेज पावर कंज्यूम बाय द लोड बोला है कि एवरेज पावर कंज्यूम बाय द लोड बोला है कि कितना आपके पास वॉट होगा, एक लोड के क्रॉस में वोल्टेज और करंट का इक्वेशन ये दिया हुआ है, ये 2016 का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व नहीं करना, आपको सॉल्व नहीं करना है, क्यों, जस्ट आपको मेरी बात सुनना है, आप अपने नोट्स बनाएंगे, ठीक है, नोट्स बनाएंगे आप, ओके नोट्स बनाएंगे और जस्ट देखेंगे आपके पास कि 100 sin ωt एक वोल्टेज है और करंट है आपके पास, उस जगह का वोल्टेज जो करंट है, उस लोड का वोल्टेज जो करंट है, बोला गया कि लोड है उसका वोल्टेज जो करंट, ये बताओ एवरेज पावर कितना होगा आपके पास, ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, गेट 2016 का क्वेश्चन था। अब मैं क्या क्या बोल रहा हूं ये ध्यान से सुनना, एक्चुअली कंसेप्ट ट्रिक सब पॉसिबिलिटी की बात करता हूं, एवरेज पावर निकालना है आपको, नहीं निकालना है मेरे को, निकालना है, पता आपके पास जब भी करंट का या कोई भी कंपोनेंट ज्यादा दिया तो इसको बोलते हैं हार्मोनिक्स का होना, पता आपके पास ये जो है ये फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ करंट, फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आईटी, इसका फ्रीक्वेंसी ना ओमेगा है, इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास है ओमेगा, ठीक है, ये जो दिख रहा है ये थर्ड हार्मोनिक्स है, ये जो दिख रहा है आपके पास थर्ड हार्मोनिक्स, इसकी वैल्यू 3 ω, ये जो दिख रहा है आपके पास दिस वन, ये आपके पास फिफ्थ हार्मोनिक्स है, इसमें वैल्यू है 5 ω, ये 5 ω है, ये 3 ω है और ये ओमेगा है, यस द फंडामेंटल कंपोनेंट, इसका मतलब है कि करंट ना हार्मोनिक्स के फॉर्म में दिया है, करंट आपके पास हार्मोनिक्स के फॉर्म में दिया कि फंडामेंटल कंपोनेंट इज दिस, थर्ड हार्मोनिक्स इज दिस बिकॉज 3 ω और वो 5 ω है, यस सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बोलूं कि देखो आपके पास कि वोल्टेज आपके पास 100 sin ωt है, मेरे को कोई बोला जाए कि सर वी नो दैट, सर वी नो दैट एवरेज पावर या सिंपली एक्टिव पावर, सर वी नो दैट VRMS IRMS cos ϕs, यस सर, यस ठीक है, VRMS IRMS cos ϕs, सर VRMS क्या होगा भाई, ये 100 बाय रूट 2 होगा, ठीक है सर, 100 बाय रूट 2 वोल्ट होगा सर, VRMS की वैल्यू आप निकाल लोगे क्योंकि एक वोल्टेज कंपोनेंट दिया है, यस 100 sin ωt आपके पास और 100 बाय रूट 2 निकल भी गया, ठीक है बात, सर RMS करंट कितना होगा, अरे भाई तो RMS के तो तीन कंपोनेंट्स हैं, फंडामेंटल कंपोनेंट का RMS वैल्यू अलग है, थर्ड हार्मोनिक्स का RMS वैल्यू है, फिफ्थ हार्मोनिक्स का RMS अलग है, क्या सर अगर हार्मोनिक्स के फॉर्म में दिया तो मैं टोटल RMS करंट निकाल सकता हूं, यस यार टोटल RMS करंट बता देता हूं कि ऐसे आपके पास करते I1 RMS जितने भी कंपोनेंट्स हो आपके पास सब कंपोनेंट्स को ले लो, I1 I3 RMS का स्क्वायर प्लस I5 RMS का स्क्वायर, जितने भी हार्मोनिक्स दिए सबका RMS वैल्यू का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट करो, इसको बोलते हैं टोटल RMS करंट ऑफ द सिग्नल, पता आपके पास पहला RMS करंट कितना है, पहला RMS करंट कितना है 10 बाय रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है पहला RMS करंट है 10 बाय रूट 2 का स्क्वायर, थर्ड वैल्यू जो है आपके पास 2 बाय रूट 2 का स्क्वायर है आपके पास थर्ड, फिफ्थ वाला क्या है 5 बाय रूट 2 का स्क्वायर, मैं बोल रहा हूं इसमें बहुत क्वेश्चन की बात हो सकती है, अगर कल हमको कोई सिग्नल देते ऐसा और बोले कि इसका RMS वैल्यू बताओ, यार ये RMS वैल्यू लिख देंगे, दिस द स्टाइल ऑफ सिग्नल, तो क्या हुआ 100 बाय 2 है तो आपके पास 100 बाय 2 मतलब पहला टर्म 50 आया, सेकेंड टर्म 2 बाय रूट 2 का स्क्वायर है तो 1 रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 आया, और ये 25/2 आया, 25/2 12.5 होता है ना, 25/2 तो 50 60 62 64 अंडर रूट 64.5 ऐसा कुछ आया, बताओ कितना करंट आ रहा है, बताएंगे आप, ये मेरे को नंबर चाहिए, बस ये नंबर चाहिए मेरे को कि कितना करंट आ रहा है, चलो 8.031 एम्पियर आ गया आपके पास, ठीक है, अब आपके पास ये आया कि भाई
आरएमएस करंट आज के बाद अगर मल्टीटोन सिग्नल है, दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज रिफर्ड एज मल्टीटोन सिग्नल. नॉर्मली वी यूज दिस टर्मोलॉजी इन कम्युनिकेशन सिस्टम. मल्टीटोन सिग्नल व्हेन सिग्नल कंसिस्ट मोर देन वन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट. मल्टीटोन सिग्नल की बहुत बात करते हैं आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में बहुत बात करते हैं. एक अच्छा क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी डेविएशन का हो सकता है मल्टीटोन मॉड्यूलेशन का. एक अच्छा क्वेश्चन फेज डेविएशन का हो सकता है मल्टीटोन मॉड्यूलेशन का. आप जानते ही हो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में तो ठीक है आसान होता है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इफेक्टिव मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ट्रांसमिटेड पावर की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव मॉड्यूलेशन इंडेक्स. तो मल्टीटोन मॉड्यूलेशन का बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कम्युनिकेशन में यूज करते हैं. बट हम अपनी बात करें तो इनकेस ऑफ हार्मोनिक्स, एक्चुअली हम बोलेंगे हार्मोनिक्स की थर्ड हार्मोनिक्स से फिफ्थ हार्मोनिक्स से, पूरी चीज सुनते रहना, पूरी चीज सुनते रहना मैं क्या बोल रहा हूं, पूरी चीज सुनते रहना. मैं बोला कि देखो यार वीआरएमएस की वैल्यू आ गई, इवन आईआरएमएस की वैल्यू आ गई, पता यहां पे कैमरा यहां, तो एवरेज आरएमएस वोल्टेज की वैल्यू कितना आ गई पता है 100/√2. करेंट की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 8.031. और यह है कॉस फाइव एस. फाइव एस इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट, और इसी को बोलते हैं आप इनपुट पावर फैक्टर या सप्लाई पावर फैक्टर या सिंपली पावर फैक्टर. सप्लाई पावर फैक्टर या इनपुट पावर फैक्टर इसी को बोलते हो. ये क्या होगा बताओ, ये क्या होगा, ये क्या होगा, सप्लाई पावर फैक्टर क्या होगा बताओ, सप्लाई पावर फैक्टर, सप्लाई पावर फैक्टर क्या होगा. चलो 5S की वैल्यू कितना होगा, 5S क्या होगा, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कितना है, 5S की वैल्यू बताओ, 5S की वैल्यू बताओ, 5S की वैल्यू बताओ यार, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट 5S की वैल्यू बताओ कितना होगा. 5S की वैल्यू 60 डिग्री होगा कि -60 डिग्री होगा, चलो बताओ. 5S की वैल्यू 60 डिग्री होगा कि 5S की वैल्यू -60 डिग्री होगा, बताओ. रॉन्ग, बहुत आर रॉन्ग, ये रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है भाई, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में आप एंगल कैसे निकाल लिए, मेरे को तो नहीं दिख रहा था. करंट तो तीन का कॉम्बिनेशन है, करंट तो तीन का कॉम्बिनेशन है भाई. करंट देखो ना कंपोनेंट से आपके पास, देखो ध्यान से, देखो आपके पास ध्यान से देखो बोला करंट, ये फंडामेंटल कंपोनेंट का एंगल है, द फंडामेंटल कंपोनेंट का एंगल. अगर आपके पास इनपुट करंट सिर्फ फंडामेंटल कंपोनेंट होता तो आप बिल्कुल ऐसी बात करते हैं. इनपुट अगर फंडामेंटल करंट कंपोनेंट्स होता तो बिल्कुल अपन ऐसी बात करते, मजे से बात करते. इसका मतलब है कि क्वेश्चन आसान कब होता, अगर इस क्वेश्चन में वोल्टेज ऐसा होता, देखना यार वोल्टेज ऐसा होता 100 सर साइन ओमेगा टी, ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी सर करेंट, करेंट सर क्या करेंट भाई 10 साइन ओमेगा टी -60 हो गया, बस इतना ही रहता. इफ इफ लिख दिया ना, तो ये तो बड़ा सिंपल है. बोलता हाँ यार इसमें क्या है, अगर मेरे को एवरेज पावर की कोई बात करता मैं बोलता अरे वी आर एम 100/√2 लिख भाई, आई आर एम 10/√2 लिख, 10/√2 लिख, कॉस 5S एंगल आपके पास वोल्टेज माइनस करेंट है तो कॉस 60 हो जाता. 5S वैसे इसमें अगर मैं बात करूं तो थीटा वी वोल्टेज के एंगल 0 डिग्री, करंट के एंगल -60, तो डिफरेंस हुआ +60, आपके पास हो जाता 1000/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होता है, तो 500/2 होता है, 250 वॉट आता है यार, 250 वॉट आता. सुनना है मेरी बात, क्वेश्चन तो ये है नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो ये है नहीं, क्वेश्चन ये होता इफ लिखा है यार इफ, तो अगर एक साइनोसोडल सिग्नल के साथ दूसरा भी करंट भी, वोल्टेज और करंट दोनों ही फंडामेंटल कंपोनेंट दिए हैं साइनोसोडल के, बड़ा मजेदार चीज है, इट्स वेरी सिंपल 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 वेरी सिंपल. ठीक है, अभी अपने पास ना हार्मोनिक्स दिया है, अपने पास क्या दिया, हार्मोनिक्स फंडामेंटल कंपोनेंट, थर्ड हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स है. इसका मतलब है कि सप्लाई पावर फैक्टर, जब 5S आपको नहीं पता, क्वेश्चन मार्क ये है इन केस ऑफ हार्मोनिक्स 5S की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, तो सप्लाई पावर फैक्टर जो कॉस 5S होता है वो भी क्वेश्चन मार्क होगा. नहीं फाइंड आउट कर पाओगे यार, नहीं फाइंड आउट कर पाओगे. आपको लग रहा है कि फाइंड आउट कर पाओगे, नहीं फाइंड आउट कर पाओगे. ठीक है, इसलिए वोल्टेज और करंट के बीच में जब हार्मोनिक्स दिया रहता है तो ऐसे ही आप नहीं निकाल सकते, बोला. ठीक है, सुनते रहना बस, मेरी पूरी बातों को सुनते रहेंगे आप तो. मैं बोला नहीं निकाल पाएंगे यार अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं निकाल पाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. 5S की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, सप्लाई पावर फैक्टर है, कॉस 5S लिखा है, नहीं निकाल पाएंगे. चलो ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके ना यार. अब मेरे पास पॉइंट्स क्या रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, अब लिखेंगे अब क्या, इतना नोट कर लिए होंगे आप. इनकेस ऑफ हार्मोनिक्स, नोट डाउन, इनकेस ऑफ हार्मोनिक्स, इनकेस ऑफ हार्मोनिक्स एवरेज पावर और एक्टिव पावर इज गिवन बाई, इनकेस ऑफ हार्मोनिक्स वी वन आर एम एस आई वन आर एम एस कॉस 5 वॉट. इनकेस ऑफ हार्मोनिक्स, इनकेस ऑफ हार्मोनिक्स एक्टिव पावर और एवरेज पावर इज गिवन बाई, इनकेस ऑफ हार्मोनिक्स एक्टिव पावर और एवरेज पावर इज गिवन बाई,
V1 RMS, I1 RMS, cos phi 1 watt. V1 RMS क्या है? डिफाइन करना पड़ेगा. V1 RMS क्या है और I1 RMS क्या है, ये डिफाइन करना पड़ेगा. और cos phi 1 क्या है, ये डिफाइन करना पड़ेगा. भाई मस्त है एकदम. ध्यान देखते रहना, मैं पूरी चीज अच्छे सिखाता हूँ. पॉल टाइम्स में भी पढ़ाता हूँ, मैं पॉल टाइम्स में भी पढ़ाता हूँ, जो पॉल टाइम्स में से पढ़ते या पढ़ेंगे. V1 RMS को क्या बोलते पता है? RMS वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज. नोट करेंगे हर एक एक चीज. RMS वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज, RMS वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ करंट cos phi 1 फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर. क्या? फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, FDF. फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर इज नॉट पावर फैक्टर, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर. ठीक है, phi 1 डिफाइन कर देते हैं. phi 1 तो cos phi 1 इनपुट पावर फैक्टर नहीं है, cos phi 1 फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है. phi 1 लिख देते हैं, एंगल बिटवीन V1 एंड I1, जो फंडामेंटल कंपोनेंट के वोल्टेज जो करंट होंगे उनके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन V1 एंड I1, या बोल सकते हैं एंगल बिटवीन फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट. फंडामेंटल कंपोनेंट जो होगा वोल्टेज और करंट के, उसके बीच का एंगल phi 1. ठीक है, तो जब भी हार्मोनिक्स दिया रहता है आपके पास ये होता है. जी सुनते रहना, कई लोगों का क्वेश्चन भी हो सकता है. अभी तो नेटवर्क पढ़ रहे अपन, तो ठीक है, ध्यान देखते रहना. तो सर ठीक है, फिर जब मैं पूछूंगा आपको कि आपको कुछ पूछना है तो फिर आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तब तक देखते रहो. बोला तो देखो, V1 RMS, I1 RMS, cos phi 1 watts आपके पास हो गया है. आपके पास ये फंडामेंटल, जब भी आपके पास हार्मोनिक्स दिया रहता है. अब आपके पास ना जो इनपुट वोल्टेज है उसके पास ना वो V1 ही है, क्योंकि वो फंडामेंटल कंपोनेंट ही है. अगर मैं बोलूं देखो VT क्या है, पता है VT क्या है? VT है 100 sin omega t. तो 100 sin omega t अपने आप में फंडामेंटल कंपोनेंट्स है ना यार, एक सिंगल कंपोनेंट फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं. तो अगर मैं बोलूं V1 RMS क्या है, V1 RMS होता है, यही V1 है, फंडामेंटल कंपोनेंट, सिंगल कंपोनेंट फंडामेंटल कंपोनेंट होगा, 100/√2 वोल्ट से. सही बात है. I1 RMS क्या है, पहला वाला जो कंपोनेंट था, I1 RMS क्या है सर? तो I1 RMS है सर 10/√2 सर, फंडामेंटल कंपोनेंट का RMS वैल्यू ये. अगर मैं बोलूं कि phi 1 क्या है, तो phi 1 की वैल्यू 60 डिग्री, क्योंकि cos से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. phi 1 की वैल्यू 60 डिग्री, क्योंकि एंगल बिटवीन फंडामेंटल वोल्टेज एंड फंडामेंटल करंट, क्योंकि हमको पता है कि जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ करंट है वो 10 sin omega t - 60 है. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि सर एवरेज पावर कितना होगा, तो V RMS की वैल्यू 100/√2, I1 RMS की वैल्यू 10/√2, ये इतना आ गया. और cos phi 1 की वैल्यू आपके पास जो हो गया वो cos 60 डिग्री हो गया, बताए 250 वॉट आ गया. ठीक है, 250 वॉट आ गया. क्या बोलेंगे सर, हम तो बोल ही रहे थे सर, देखते जाओ सुनते रहो. बोला तो फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर होता है आपके पास, जब मैं फंडामेंटल कंपोनेंट्स के कारण बात करता हूँ, मजा आएगा आपको सुनने में. 250 वॉट आंसर आ गया, कि 250 वॉट आ गया आपके पास. अब क्या होता है कि हमको पता है भाई कि एवरेज पावर, तो इन जनरली एवरेज पावर जो होता है वो तो इन जनरली V RMS, I RMS, cos phi होता है यार, cos phi s. और cos phi s को आप सप्लाई पावर फैक्टर बोलते हैं, या इनपुट पावर फैक्टर बोलते हैं, या सिंपली पावर फैक्टर बोलते हैं, बता चुका हूं मैं. लेकिन मैं बोल रहा हूं कि हार्मोनिक्स के केस में आप एवरेज पावर या एक्टिव पावर को आप लिख लेते हो V1 RMS, I1 RMS और cos phi 1, ये वॉट. और दोनों पावर सेम है, बस इसे आप निकाल नहीं सकते थे, लेकिन दोनों पावर सेम है. वहां पे आप इनपुट पावर फैक्टर निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, क्योंकि करंट के पास हार्मोनिक्स था. तो एक्चुअली जो फंडामेंटल कंपोनेंट होता है यही डोमिनेटिंग पावर होता है एक्चुअली, तो स्टाइल है ओवरऑल सब चीजों का. तो मैं बोल रहा हूं कि अच्छा दोनों सेम है, ठीक है सर दोनों सेम है. तो V RMS, I RMS, cos phi s इक्वल टू ये फंडामेंटल कंपोनेंट के कारण ये हो गया V1 RMS, I1 RMS, cos phi 1. पता अभी हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग V RMS कैंसिल आउट हो गया. बोला जो भी हमारा क्वेश्चन है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि कोई भी आज तक अपनी जिंदगी में कोई भी प्रिपरेशन कर रहा होगा, कभी भी वो वोल्टेज का फंडामेंटल कंपोनेंट को नहीं देखा होगा. मशीन पावर सिस्टम को मैं नहीं जानता,
पावर टाइम्स की बात करूं या इन जनरल नेटवर्क की बात करूं, इन जनरली बात करूं तो वोल्टेज का हमेशा एक ही कंपोनेंट दिया रहता है, उसका भी बात कर देता हूं, बता देता हूं यार, उसका भी एक कंपोनेंट रहता है और दोनों कंपोनेंट तो फंडामेंटल, वो अपने आप में फंडामेंटल कैंसिल आउट हो गया। बट अगर वोल्टेज के भी कंपोनेंट होते तो फिर उसका भी आरएमएस वैल्यू निकालते, रिजल्टेंट आरएमएस वैल्यू, तो कैंसिल आउट नहीं होता, अभी कैंसिल आउट हो रहा है। तो जितने भी एग्जाम में आज तक क्वेश्चन मैं देखा हूं मशीनों पावर सिस्टम के बारे में, मेरे को आइडिया नहीं है बोल रहा हूं, इन दो सब्जेक्ट को छोड़ के जो मेरा आइडिया है, जो भी कोई भी क्वेश्चन फ्रेम होता है नेटवर्क पावर अलटेंस का ही, कभी एक ही कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज दिया रहता तो ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाते। तो पता अब क्या हुआ, अब पता है कॉस फाइव एस की वैल्यू कितना हो रहा, पता है कॉस फाइव एस की वैल्यू, कॉस फाइव एस की वैल्यू हो गया आई वन आर एम एस फंडामेंटल कंपोनेंट का आर एम एस वैल्यू, और ये आई आर एम एस द टोटल आर एम एस वैल्यू ऑफ द करेंट इंटू कॉस फाइव वन। पता आपके पास इसको बोलते हैं सप्लाई पावर फैक्टर या इनपुट पावर फैक्टर, इस टर्म को बोलते हैं करेंट डिस्टॉर्शन फैक्टर सी डी एफ, और इसको बोलते हैं एफ डी एफ। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग बहुत यूज करते हैं, भले चाहे सिग्निफिकेंस कम जानते होंगे लेकिन यूज बहुत करते हैं, ये भी नहीं पता कि कब करना है कब नहीं करना, ये नहीं पता होता बहुत लोगों को, बट फिर भी यूज करते हैं। सप्लाई पावर फैक्टर इक्वल टू करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर इनटू फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। जितने लोग ये जानते हैं उनको ये नहीं पता कि कैंसिल आउट हो गया इसलिए ऐसा हो गया वोल्टेज का कंपोनेंट, उनको ये भी नहीं पता कि वोल्टेज का हार्मोनिक्स क्यों नहीं होता, उनको ये भी नहीं पता होता, कुछ लोगों को पता हो गया, कुछ लोगों को तो पता ही होता है ना। सप्लाई पावर फैक्टर इक्वल टू करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर इनटू एफडीएफ होता है। करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर क्या होता है लिखना, करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर क्या होता है, फंडामेंटल कंपोनेंट का जो आरएमएस वैल्यू होता है डिवाइड बाय टोटल आरएमएस वैल्यू, ये होता है आपके पास सीडीएफ। तो अगर मैं बोलूं इस क्वेश्चन में कोई सप्लाई पावर फैक्टर फाइंड आउट करने वाला है तो पता है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फंडामेंटल कंपोनेंट कितना, पता है आरएमएस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट 10/√2 है, और टोटल आरएमएस वैल्यू यार अपन निकाले थे, आप बोले थे 8.031 सर, 8.031 आप निकाले थे टोटल आरएमएस वैल्यू, और फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर 0.5 है क्योंकि कॉस 60 था। तो सप्लाई पावर फैक्टर की वैल्यू कितना हो गया यार, सप्लाई पावर फैक्टर की वैल्यू बताओ, ये सप्लाई पावर फैक्टर की वैल्यू है। हमसे जो क्वेश्चन पूछा था 250 वाट निकाल दिया, सुनते रहना मेरी पूरी स्टोरी बड़ी होती है हमेशा, ये कितना आ रहा सप्लाई पावर फैक्टर की वैल्यू, सप्लाई पावर फैक्टर की वैल्यू कितना आ रहा चेक करेंगे आप, बताएंगे वैल्यू कि सर इतना आ रहा है सर सप्लाई पावर फैक्टर। सप्लाई पावर फैक्टर जैसे मैं पूछा था कि सप्लाई पावर फैक्टर कितना, 0.5 चिल्ला रहे थे आप, बोल रहे 0.5 रॉन्ग था वो, अभी कितना आ रहा है 0.44, पता है 0.44 इस क्वेश्चन का आंसर है सप्लाई पावर फैक्टर, ये बात होती है। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना है आपको, किसी बुक वगैरह में कहीं मिलेगा नहीं, और एक नेटवर्क का टीचर तो कभी ऐसा नहीं डील करेगा, हो सकता है ये देखने के बाद डील कर ले, लेकिन ऐसा नेटवर्क का टीचर डील नहीं करेगा। नॉर्मली पावर टाइम्स का एक अच्छा टीचर जानता है लेकिन फिर वो नेटवर्क का कम आइडिया रखता है, तो फिर दोनों चीज का कॉम्बिनेशन गजब का होना चाहिए। बताता हूं मैं कुछ कुछ चीजें और भी बताता हूं, अभी मैं बोल रहा हूं इस क्वेश्चन का सप्लाई पावर फैक्टर का आंसर 0.44 है, एवरेज पावर जो था 250 वॉट है, यस फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट, तो मैं बोला इसको बोलते हैं करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर, और ये होता फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर cos 51, और ये है आई वन आर एम एस अपन आई आर एम एस। सप्लाई पावर फैक्टर इस क्वेश्चन का 0.44 है, कितना मस्त है बोला। अगर ये क्वेश्चन दे दे एग्जाम में, एग्जाम में आते रहते इस टाइप के क्वेश्चन, 0.44 भी ऑप्शन में होता है, 0.5 भी ऑप्शन में होता है, तो 0.44 और 0.5 भी ऑप्शन में होता है तो लोग 0.5 लगाते हैं। अरे करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर यार, करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर CDF, करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर, ओके ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो मेरे को क्वेश्चन फाइंड आउट करना था, इनकेस आप हार्मोनिक्स में फाइंड आउट भी कर लिया, इनकेस आप हार्मोनिक्स में फाइंड आउट भी कर लिया, ये मैं फाइंड आउट भी कर लिया बोला, हार्मोनिक्स के बारे में था आपके पास पूरा, मैं बताया कि देखो मैं ऐसे सॉल्व कर सकता था, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसे सॉल्व कर लेता, अलग बात है कि आंसर सेम आ गया, फिर मैं ऐसे सॉल्व किया पावर का आंसर यही आ गया, यस ओके ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं बोला कि यार क्यों लोगों को आइडिया नहीं होता कि वोल्टेज का एक ही कंपोनेंट होता है। आप कोई भी क्वेश्चन देख लो, कोई भी क्वेश्चन 25 साल में कोई भी क्वेश्चन देख लो, वोल्टेज का एक कंपोनेंट दिखेगा, करंट के डिफरेंट हार्मोनिक्स दिखेंगे, ऐसा दिखते रहते पावर टाइम्स वाले लोग। तो एक अच्छा टीचर एक अच्छा स्टूडेंट बहुत आइडिया रखता है, तो और होना भी चाहिए और बहुत बेहतरीन आइडिया भी होना चाहिए। जितने भी इलेक्ट्रिकल वाले लोग होंगे बहुत बेहतरीन टाइप के लोग होंगे जो पावर टाइम्स भी जानते होंगे, वो देखते रहना मैं क्या क्या बताते जा रहा हूं, और बाकी लोग भी समझना क्या होता है पता। अगर मैं आपको बोल दूं कि अगर मैं आपसे एक ब्रिज रेक्टिफायर ले लूं, एक सिंगल फेस ब्रिज रेक्टिफायर ले लेता हूं, पता आपके पास देखना, मेरी बातों को समझना है। अगर आप अपने आप को चाहते हो कि आपके जैसा ना कोई भी ना हो, टीचर भी ना हो, आप चाहते हो कि आपके जैसा टीचर भी ना हो, तो आपको बहुत बेहतरीन आना चाहिए। चलो एक वीएम साइन ओमेगा टी का सिग्नल दिया, ये वीएस है और ये सोर्स करंट है, ये D1 डायोड लिखा, मैं D2 डायोड लिखा, ऐसे जस्ट बना दिया D3 D4, और मैं बोल रहा हूँ कि लोड जो है उसमें कॉन्स्टेंट करंट फ्लो रहा है। अब अगर मैं पावर टाइम्स पढ़ाता तो उनको बोलता कंटिन्यूस कंडक्शन रिपल फ्री लोड करंट, लेकिन अभी तो सभी लोग है, सेकेंड सेमेस्टर वाले लोग भी है, तो ज़्यादा बात करने की नीड नहीं है। तो अपने को हमें एक टीचर को हमें से पता होना चाहिए कि कब क्या बोलना है, अपने अपना नॉलेज कितना है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन कब क्या बोलना है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोला कांस्टेंट करंट फ्लो है लोड में, यस देखना ध्यान से मैं क्या बोलने वाला हूँ। वीएम साइन ओमेगा टी को तो सब लोग जानते हैं यार,
अगर मैं बोलूं कि वीएम साइन ओमेगा टी के सब लोग जानते हैं, तो अगर मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करूं तो लोग तो बता ही देंगे। मैं अगर बोलूं कि आपके पास डी वन क्या होगा, डी टू क्या होगा, डी थ्री क्या होगा, डी फोर क्या होगा, जस्ट थोड़ी देर लूंगा टाइम, ज्यादा नहीं लूंगा, मजा आएगा आपको, आपको समझने में मजा आएगा, आपको समझने में मजा आएगा, ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा आपके पास की सोर्स करंट की वैल्यू क्या होगी ये, और मैं आउटपुट में इंटरेस्टेड नहीं हूं क्योंकि मैं रेक्टिफायर नहीं पढ़ा रहा हूं, मेरा क्या इंटरेस्ट है बता रहा हूं। देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर जीरो से लेके पाई तक की बात होगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा पता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब, पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब होता है ये जो पॉइंट से प्लस होगा और ये पॉइंट जो होगा वो माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, कब पता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ये भी लिख देता हूं सब कुछ। ये प्लस पी से कनेक्टेड है, डायोड है यार, डायोड के बोलेगा सर डायोड नहीं सुने तो मैं बोलूंगा यार फिर थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर करो, ये पी से कनेक्टेड है पता है, डी वन ऑन होगा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल आपके पास जब है तो डी वन क्या होगा आपके पास ऑन होगा, और ये माइनस कनेक्टेड है एन से तो डी टू ऑन होगा, तो डी वन डी टू ऑन होगा, माइनस कनेक्टेड हो पी से इसको ऑफ करेगा माइनस, ये प्लस इसको ऑफ करेगा, प्लस इसको ऑन करेगा, माइनस इसको ऑन करेगा, तो जो डायगोनल वाले डायोड्स रहेंगे डी वन और डी टू ऑन हो जाएंगे, डायगोनल वाले जो डायोड होंगे डी वन डी टू ऑन हो जाएंगे, और डी थ्री डी फोर ऑफ हो जाएंगे, यार ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ऑफ हो जाएंगे पता आपके पास, अब क्या होगा पता आपको, ये सुनना, ये दोनों डायोड ऑन हो गए, पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा था, आपको ये बोल सकता है कि सर पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा था तो माइनस क्यों हुआ, तो मैं बोलूंगा कि भैया आप इलेक्ट्रिकल के अगर स्टूडेंट है तो फिर मेरी जरूरत है आपको पूरी दुनिया में, अगर आपको ये लग रहा है कि माइनस क्यों हो रहा है, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है तो आपको किसी की जरूरत नहीं क्योंकि आपको फोकस नहीं करना है, बट अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो और आपको लग रहा है सर पॉजिटिव हाफ साइकिल में सर इसको माइनस कैसे कर दिए सर, तो मैं बोला कि आपको जरूरत मेरी है पूरी दुनिया में, तो ध्यान रखना, चलो इग्नोर, पॉजिटिव हाफ साइकिल चला, प्लस के करेंट डायोड ऑन, माइनस करेंगे डायोड ऑन, पता आपके पास कैसे करंट फ्लो हो गया, इमेजिन करना, ये सप्लाई करंट जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहां से जाएगा क्योंकि डायोड ऑन है, यहां से जा रहा है यहां से जा रहा है, यहां से करंट नहीं जा रहा है, ऑफ है, ये देखो लोड करंट, तो सप्लाई करंट इक्वल टू लोड करंट हुआ, देखो देखो अभी रुक जाओ, ये लोड करंट, ये ऑन है, ये लोड करंट यहां जाएगा, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये आ गया, इसका मतलब है कि मैं अभी ये कलर चेंज करके एक पाथ बना देता हूं जिससे आपको क्लियर है कि रेड वाला जो पाथ है ना, ये देखो आपके पास रेड वाला पाथ बना दे रहा हूं, ये रेड वाला पाथ बना दे रहा हूं यार आपके लिए, जस्ट आपको आइडिया रहे कि ये डी वन डायोड ऑन था तो ये पाथ बना, समझना, और कोई अगर बहुत अगर पावर टाइम्स जानता होगा तो वो भी देखते रहना कि मैं कैसी बात करता हूं, ये डी टू डायोड ऑन हो गया पता आपके पास, ये पता सोर्स करंट की वैल्यू कितना हो गया, सोर्स करंट की वैल्यू अरे लोड करंट के बराबर है यार, लोड करंट के बराबर पता आपके पास, ये आई नॉट है, ठीक है भाई, चलो चलो मैं बोल रहा हूँ कि यार नेगेटिव हाफ साइकिल में करते हैं ना पाई से लेकर टू पाई की बात करते हैं, ये तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात हुई, और लोड करंट तो कांस्टेंट करंट है, एक कांस्टेंट करंट सोर्स बना दिया, पाई से टू पाई में क्या होगा पता है, जब मैं नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करता हूं, माइनस और ये प्लस, ये माइनस है, नेगेटिव हाफ साइकिल चालू हुआ, माइनस और ये प्लस, पता जब मैं माइनस और प्लस करूंगा तो जो डायोड ऑन थे वो ऑफ हो जाएंगे, जो ऑफ थे ऑन हो जाएंगे, इसका मतलब पता आपके पास कौन से डायोड ऑन होने वाले, डी थ्री और डी फोर ऑन होने वाले यार, यही तो आप रेक्टिफायर में पढ़ते थे आपके पास, यही आप रेक्टिफायर में पढ़ते थे, कभी आप ब्रिज रेक्टिफायर पढ़े होंगे तो डी थ्री डी फोर ऑन होंगे पता है, अब डी थ्री डी फोर अगर ऑन हो गए तो पता क्या होगा, डी थ्री अगर ऑन है आपके पास, सोचो डी थ्री अगर ऑन है, चलो ये बना देता हूँ ग्रीन कलर, देखते रहना डी थ्री ऑन है, डी थ्री ऑन है भाई, ग्रीन कलर वाला बना रहा हूं, ये देखो, चलो कोई बात नहीं, यहां तो जाएगा नहीं तो करंट ऑफ है, यहां गया ये ऑन है, ये डी फोर ऑन है, यहां गया, खत्म नहीं हुआ यार अभी पाथ, यहां गया कंप्लीट होना चाहिए पाथ, अगर आप केवीएल जानते हो तो ये पाथ कंप्लीट हुआ एकदम, अब देखो पूरा पूरा पाथ कंप्लीट है पता है, सोर्स करंट माइनस ऑफ आई नॉट होता है, तो सोर्स करंट माइनस ऑफ आई नॉट होता है, जस्ट बता रहा हूं जनरल नॉलेज बहुत बेहतरीन होना चाहिए, पता है ना आपके पास कि मेरे को लोग क्यों लाइक करते हैं, मेरे को लोग लाइक इसलिए करते हैं क्योंकि मैं हर चीज को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, और इसलिए बहुत मजा आता है चीजों को जानने में, मैं ये नहीं बोलता हूं कि ये याद कर लो, मैं कोई भी चीज को लेके आ सकता हूं पता आपके पास, अगर मैं बोलूं कि इनपुट वोल्टेज क्या है यार, इनपुट वोल्टेज परफेक्ट साइनोसोइडल सिग्नल है यार, इनपुट वोल्टेज वीएस या इनपुट वोल्टेज क्या पता है, वीएम साइन ओमेगा टी, यस सर, हाँ भाई फंडामेंटल कंपोनेंट है, जीरो पाई परफेक्ट साइन, यस सर परफेक्ट साइन, पता आपके पास सप्लाई करेंट क्या होता है, सप्लाई करेंट क्या होता है, यह सप्लाई करेंट, सप्लाई करेंट ना पॉजिटिव हाफ साइकिल में आई नॉट था, नेगेटिव हाफ साइकिल में माइनस आई नॉट था, पता है सप्लाई करेंट एक स्क्वायर वेव फॉर्म बनाता है, हेलो सप्लाई करेंट क्या बनाता है, एक स्क्वायर वेव फॉर्म बनाता है, इसका पीक वैल्यू आई नॉट और ये माइनस आई नॉट है, और पता है जब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो पीक टू पीक कितना होता है पता है आपको, टू आई नॉट होता है, यस
ये बना दिया। अब हमको ये क्लियर नहीं रहता कि जो ये जो स्क्वायर वेव फॉर्म है, स्क्वायर वेव फॉर्म है, इसके अंदर साइन है, दिखता नहीं किसी को, बस दिखेगा नहीं, कोई घुस के जाएगा तो भी नहीं दिखेगा, पता ये किससे मिलके बना है। इसलिए कोई वेवफॉर्म, जब पीरियोडिक वेवफॉर्म किससे मिलके बना होता है, उसके लिए हम फोरियर सीरीज एक्सपांशन यूज करते हैं। तो पता आपके पास ये एक तो आईएस के बारे में इंफॉर्मेशन कि सर आईएस ऑड सिग्नल है। क्यों ऑड सिग्नल भाई? अगर आप जीरो के उधर बनाओगे तो ऑड सिग्नल दिख जाएगा, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। अगर लेफ्ट में बनाओगे तो सर ऑड सिग्नल है, ऑड सिग्नल है, इसका मतलब इसका डीसी वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि इसका वैसे भी पॉजिटिव एरिया इक्वल टू नेगेटिव एरिया है। अगर ये ऑड सिग्नल है तो फोरियर सीरीज में एन का कोएफिशिएंट जीरो हो जाएगा, ठीक है सर। तो सर अगर ये ऑड सिग्नल है इसका मतलब है कि बीएन जीरो नहीं होगा, यस ठीक है, बीएन जीरो नहीं होगा। बट सर ये एक हाफ वे सिमेट्रिकल सिग्नल है, अगर इसको पाई से शिफ्ट करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव एरिया में आ जाएगा। एक्चुअली सर ये आई एस ओमेगा टी माइनस, अगर मैं पाई कर दूं तो ये माइनस आप आई एस टी हो जाएगा, या ओमेगा टी लिख दो, क्या फर्क पड़ता, माइनस आई एस ओमेगा टी हो जाएगा, पता है आपके पास। इसका मतलब ये सर हाफ वे सिमेट्रिकल सिग्नल है, यस। जो बीएन था, जो बीएन था वो कन्वर्ट हो गया बी टू एन प्लस वन में, इसको बोलते हैं ऑड हार्मोनिक्स। कोई बोलेगा सर ये तो आप कहां पे ले जा रहे हो? हाँ भाई, दुनिया में अगर आपको जानना है गजब का चीज, तो पता आपको ये जो सप्लाई करंट होता है ना, पता है आपके पास सप्लाई करंट जो होता है ये ऑड हार्मोनिक्स होता है 1, 3, 5, और सिर्फ बीएन होता है, और इसकी वैल्यू ना पीक टू पीक 2i0 है, तो पीक टू पीक के डबल होता है, ये 4i0/nπ होगा। ये पूरे इलेक्ट्रिकल ब्रांच का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वैसे तो इन जनरल सभी के लिए इंपॉर्टेंट, 4i0/nπ और साइन एन ओमेगा टी। जब मैं ना एन की वैल्यू 1 पुट करता हूं ना, तो ये 4i/πसाइन ओमेगा टी होता है, ये फंडामेंटल कंपोनेंट हुआ। जब मैं 3 पुट करता हूं, ये थर्ड हार्मोनिक्स आता है, थर्ड हार्मोनिक्स आता है आपके पास 4i0/sin 3 ओमेगा टी। जब मैं 5 पुट करता हूं तो 4i0/5π, ये साइन 5 ओमेगा टी आता है आपके पास। देखो फंडामेंटल, थर्ड हार्मोनिक्स और फिफ्थ हार्मोनिक्स, इसलिए एग्जाम में पिछले 25 साल से किसी ना किसी जगह पे, किसी ना किसी सब्जेक्ट में ये सब बात होती है, और ये करंट का कंपोनेंट है। एक्चुअली एक रेक्टिफायर में अगर कांस्टेंट करंट हो लोड में, तो सोर्स करंट जो होता है आपके पास वो स्क्वायर वेवफॉर्म होता है, इज द बाइपोलर स्क्वायर वेवफॉर्म। इसका एवरेज वैल्यू जीरो है, बिकॉज पॉजिटिव एरिया इक्वल टू नेगेटिव एरिया। इसका मतलब इसमें ए नॉट बाई एवरेज वैल्यू आपके पास जीरो है, तो इसका डीसी टर्म नहीं होगा, इसमें ए एन जीरो होगा, बिकॉज ये ऑड सिग्नल है। ऑड के बाद और बात किया कि हाफ वेव सिमेट्रिकल है, कोई बोलेगा सर ये तो हमको नहीं आता, तो भाई नोट डाउन, नोट करते रहो, ऐसा थोड़ी सबको सब कुछ आ जाएगा। लोगों को 50 साल लग जाता तो नहीं आता, उनको 50 साल से लोग पढ़ाते रहते, कनेक्ट नहीं कर पाते। आपके कॉलेज की टीचर 15-15 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको समझ नहीं आता कि किससे क्या कनेक्ट करना है, तो आसान तो नहीं होता ना सब चीज। तो मैं बोला, मैं ये स्टोरी बताया कि ये साइन के कंपोनेंट क्यों दिखते, तो पता आपके पास अब एग्जाम में ये कंपोनेंट एक दे देंगे और ये कंपोनेंट दे देंगे ये। अब होता क्या है, कई लोगों के मन में होता कि आपके पास सर आप जो बोल रहे थे ना कि सर क्यों फंडामेंटल कंपोनेंट इतना डोमिनेटिंग होता है, भाई मेरे ये करंट है, पता है 4i0/π, पता है इसका फंडामेंटल कंपोनेंट ये है, उसका तो वही एक ही फंडामेंटल कंपोनेंट, इसका फंडामेंटल कंपोनेंट ये है, पता है इसका थर्ड हार्मोनिक्स 3π है, फिफ्थ हार्मोनिक्स 3π है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाता हूं ना, इसका मैग्नीट्यूड कम होते जाता है, पता है मैग्नीट्यूड कम होते जाता है। तो सबसे डोमिनेटिंग कंपोनेंट जो होता है हार्मोनिक्स का, फंडामेंटल कंपोनेंट होता है। और जो हमको क्वेश्चन में दिया था उसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें ना एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जा रही थी, मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए था, तो अनइक्वल हार्मोनिक्स था। एक परफेक्ट हार्मोनिक्स ये होता है, वो अनइक्वल था। आपके पास मशीन वगैरह में आपको अनइक्वल हार्मोनिक्स मिलते होंगे, ये परफेक्ट हार्मोनिक्स है आपके पास, परफेक्ट। सही है सर, हाँ सही है एकदम। तो ये आपके पास हार्मोनिक्स मिलता है आपके पास, और फंडामेंटल कंपोनेंट जो होता है डोमिनेटिंग होता है। तो जितना पावर जो फंडामेंटल कंपोनेंट के कारण होता है, फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो तो जो पावर होता है दूसरे कंपोनेंट के कारण, उसका सिग्निफिकेंस बहुत मिनिमम होते जाता है। इसलिए फंडामेंटल कंपोनेंट ही ओवरऑल पावर को रिप्रेजेंट करना चालू कर देता है। और भी मस्त चीज बता रहा हूं ना, ऐसा क्या चीज है कि नहीं पता चलेगा आपको, और भी मस्त चीज। ये हुआ, कोई बोलेगा सर ये एंगल कैसे कंट्रीब्यूट हो गया सर, अभी तो सर एंगल आया था आपका, तो एंगल आया नहीं भैया, ये एक डायोड है, एक अनकंट्रोल रेक्टिफायर है, इसलिए आपके पास ये परफेक्ट एक्सप्रेशन है। और ये फोरियर सीरीज का इससे अच्छा एक्सप्रेशन कभी जिंदगी में हो नहीं सकता है। अब कोई सिग्नल सिस्टम का टीचर है तो वो सिग्नल सिस्टम बेहतरीन कितना भी पढ़ाता होगा, नीरज सर पढ़ाते हैं आपको, या इंडिया में बहुत सारे सिग्नल सिस्टम के पता। अब सिग्नल सिस्टम वाले टीचर थोड़ी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कहां जरूरत पड़ती है उसकी बात उसको पता होगा। अरे भाई, एक सिग्नल सिस्टम वाले को इलेक्ट्रिकल में और एप्लीकेशन वाइज कहां जरूरत पड़ती है, वो सिग्नल सिस्टम वाले किसी भी टीचर को कैसे आइडिया होगा कि हमको फुल वेव रेक्टिफायर में सोर्स करंट के वेवफॉर्म की जरूरत पड़ती है। पता आपके पास ये जो वेवफॉर्म है इसका, जब आप पावर ट्रांसफर पढ़ते हैं तो 4i0/nπ sin n ओमेगा t माइनस n अल्फा होता है। मैं अगर SCR लगा दूं इस डायोड की जगह पे, कंट्रोल रेक्टिफायर लगा दूं, कंट्रोल अनकंट्रोल्ड है, क्या लगा दूं बोला, कंट्रोल रेक्टिफायर लगा दूं, अल्फा लगा दूं आपके पास,
एससीआर लगा दूं तो ये एक्सप्रेशन में ना साइन एन ओमेगा टी माइनस एन अल्फा हो जाएगा। पता आपके पास क्या हो जाएगा बताए, कंट्रोल रेक्टिफायर में ये अल्फा से स्टार्ट हो जाएगा। बड़ा बहुत सारा चीज है जानने का, तो कभी कमी नहीं होता है। तो कंट्रोल रेक्टिफायर अगर मैं लगा देता हूं तो कंट्रोल रेक्टिफायर लगा देता हूं तो पता है कैसा एक्सप्रेशन बनता है, फोर आई नॉट अपॉन एन पाई साइन एन ओमेगा टी माइनस एन अल्फा, और अल्फा की वैल्यू सपोज करो 60 डिग्री है तो पता आपके पास एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 4 आई नॉट अपॉन पाई साइन ओमेगा टी माइनस 60 डिग्री, इसका मतलब एन इक्वल टू 1 प्लस 4 आई नॉट अपॉन 3 पाई साइन 3 ओमेगा टी, और फिर 3 का मल्टीप्लाई हुआ 60 में तो 180 डिग्री प्लस 4 आई नॉट अपॉन 5 पाई साइन 5 ओमेगा टी, 60 में 5 का मल्टीप्लाई हुआ 300, ये आपके पास ऐसा बनते जाएगा। ये आपके पास एक्सप्रेशन होता है एक स्क्वायर वेव फॉर्म का, जो कंट्रोल रेक्टिफायर होते हैं चारों की जगह एससीआर लगा दूंगा तो मैं पावर टाइम्स पढ़ाता हूं, मैं सिग्नल जानता हूं, मैं नेटवर्क जानता हूं। ज्यादा सब्जेक्ट जानने का बड़ा मजा है बोला कि ब्रिज रेक्टिफायर, जो कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर होते हैं उसके सोर्स करेंट का एक्सप्रेशन ये होता है। यस, यहां से आता है आपके पास, ये हवा में उठ के नहीं आता, फंडामेंटल थर्ड और फिफ्थ हार्मोनिक्स, ये आपके पास हाफ वेव सिमेट्रिकल होता है। दुनिया का सबसे अच्छा सिग्नल यही है, इसके अंदर साइन है वो फंडामेंटल, इसके अंदर थर्ड हार्मोनिक्स है, बहुत सारे हार्मोनिक्स और फंडामेंटल कंपोनेंट से मिलकर बना है स्क्वायर वेव फॉर्म। पता नहीं चलता कि इसका ओरिजिनल सिग्नल साइन है, ये इसका ओरिजिनल सिग्नल है, ये इसका ओरिजिनल सिग्नल है, पता आपको। और 4 अपॉन पाई करोगे ना तो 1.27 आई नॉट आएगा, इसका फंडामेंटल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ना इसके मैग्नीट्यूड से ज्यादा होता है। लेकिन अब मेरे को इतना नहीं पढ़ाना, नहीं तो मैं यही पढ़ाते रहूंगा तो आज तो दिन निकल जाएगा, सिर्फ मैं हार्मोनिक्स की बात करूंगा। तो इसलिए जो लोग मेरे से पावर टाइम्स पढ़े उनको पता है कि मैं पावर टाइम्स नेटवर्क कंट्रोल से भी डोमिनेटिंग हैंडल कर लेता हूं, क्योंकि मेरे को आइडिया बहुत सारा है सब चीजों का। हाँ, बहुत देर से बोल रहा था ना, दर्द इधर हुआ पता नहीं चला, ठीक है। तो मैं बोला कि देखो आपके पास ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ होता है बोला, इसलिए सिग्नल सिस्टम आना बहुत जरूरी है, बेसिक बहुत जरूरी है। पता होना चाहिए कि ऑड सिग्नल क्या होता है, पता होना चाहिए कि इवन सिग्नल क्या होता है, पता होना चाहिए कि फोरियर सीरीज के कोएफिशिएंट कब कब एग्जिस्ट करते हैं, पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व करना बड़ा मजाक है। बीएन अगर मैं सॉल्व कर दूं अभी तो तुरंत आ जाएगा 4 आई नॉट अपॉन एन पाई, इतना आपको गुड आइडिया होना चाहिए। इसमें आपके पास एंगल नहीं है क्योंकि साइन एन ओमेगा टी परफेक्ट सिग्नल है, ये एक अनकंट्रोल्ड आपके पास रेक्टिफायर है क्योंकि डायोड सर्किट से बना हुआ है। यस, इसलिए आपके पास करंट के जो एक्सप्रेशन होते हैं ये वाले टर्म्स होते हैं। इसलिए आज तक किसी को वोल्टेज का फंडामेंटल वोल्टेज का हार्मोनिक्स देखने को नहीं मिला, सबको करंट के हार्मोनिक्स देखने को मिलते हैं भाई। हाँ, सही है एकदम। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात थी, हो सकता है किसी को लग रहा होगा कि अपन तो इतना नहीं जानते, लेकिन ओवरऑल नॉलेज इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, कि आपको पता रहे कि यहां पे हार्मोनिक्स के बारे में कैसे बात होती है। आपके पास फिगर भी बना दिया मैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात किया कि चलो यार अगले बार से याद रखना कि किसी सिग्नल को अगर आप हाफ टाइम पीरियड से शिफ्ट करते हो, टाइम पीरियड इज 2π, हाफ टाइम पीरियड से शिफ्ट करते हो और अगर वो एम्पलीट्यूड इन्वर्जन में अगर आ जाता है, मैग्नीट्यूड प्लस की जगह माइनस हो जाता है, इसको हाफ वेव सिमेट्रिकल सिग्नल बोलते हैं। और पता है जो भी सिग्नल हाफ वेव सिमेट्रिकल ऑड सिग्नल होते हैं सिर्फ उसमें ऑड हार्मोनिक्स ऑफ साइन आता है, जो भी सिग्नल हाफ वेव सिमेट्रिकल इवन सिग्नल होते हैं उसमें ऑड हार्मोनिक्स ऑफ कोसाइन आता है। यही तो स्टोरी है पूरे इंडिया की, यही सब तो पूछते यार इंडिया में सिग्नल सिस्टम में जो लोग पूछना आजकल पसंद करते हैं, पूछते हैं सब कुछ। ठीक है, छोड़ो, वापस आता हूं मैं। इतनी सब कुछ बात किया मैं, आपको समझ आया आपके पास, इतनी सब कुछ बात किया तो आप ना दोनों पावर को एक बराबर रख सकते हो। तो आप ना ड्यू टू हार्मोनिक्स आप फंडामेंटल, जैसे मैं बात करूं आप बोलोगे सर ये 10 है, ये मैग्नीट्यूड 2 है, 2 के बाद 5 आ गया, फंडामेंटल से कम है लेकिन ये अनइक्वल है, ऐसे वाला आपको कभी नहीं मिलेगा, ऐसा प्रैक्टिकली कभी नहीं मिलेगा। मतलब मशीन में मिलता होगा आई डोंट नो, लेकिन मैं पावर टाइम्स पढ़ाता हूं चाहे फिर मैं चॉपर इन्वर्टर कोई कुछ भी बात करूं कहीं पे भी ऐसा अनइक्वल नहीं मिल सकता। मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जाते हैं क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन होते जाता है। तो ये मैग्नीट्यूड अगर 10 के बाद 2 है तो 2 से कम होगा, बट ये अनइक्वल है, अनइक्वल मेरे को नहीं पता कहां मिलते होंगे, मशीन या पावर सिस्टम में कहीं मिलते होंगे तो आई डोंट नो, लेकिन मैं जो जानता हूं जो सब्जेक्ट का पूरा मैं आइडिया रखता हूं वहां पे कहीं पे भी ऐसा अनइक्वल नहीं मिलता, मैग्नीट्यूड डिक्रीज होते जाते हैं डिक्रीज। इतना बताने के और एंगल का कंट्रीब्यूशन भी साइन ओमेगा टी माइनस 60 था तो और भी एंगल ऐसे आपके बढ़ते जाते, तो ये अनइक्वल फॉर्म में लिख दिया गया, बट दिस द स्टाइल एक्चुअली। ठीक है, अब मैं बोला कि देखो इतनी सारा नॉलेज की बात किया कि फंडामेंटल कंपोनेंट के कारण ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, आप ऐसा सॉल्व कर सकते हो, बड़ा मजेदार है, आप आंसर दे सकते हो, सप्लाई पावर फैक्टर का आप आंसर दे सकते थे, सप्लाई पावर फैक्टर अभी दिखाता हूं आगे, अभी आज की पूरी स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ बने रहना, बस आप बने रहना मेरे साथ। अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखना अब क्या है,
आईआईटी वाले ऐसे क्वेश्चन पूछना पसंद करते हैं, उनको लगता है यार हार्मोनिक्स वगैरह दे रहे हैं अपन, तो लोग आंसर कैसे दे पाएंगे, हार्मोनिक्स वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, अगर बहुत डिटेल में कोई पढ़ा है तो इट्स ओके। अभी देखो कैसे करते हैं, मैं बोल रहा है अपने को वोल्टेज दिए थे, करंट दिए थे, करंट में तीन तीन कंपोनेंट थे, यस या तीन 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 करंट तीन तीन कंपोनेंट थे। सर एवरेज पावर चाहिए था क्यों ना सर, सर टाइम पीरियड तो 2π होगा सर, कितने भी सिग्नल्स हो टाइम पीरियड इज 2π, ठीक है सर, 0 से 2π, क्या सर दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या अपन, मैथमेटिकल इंजॉयमेंट करें क्या, ठीक है चलो देखो अपन, इसलिए बोला नोट नहीं करना, इसलिए बोला नोट नहीं करना यार, चलो इंजॉयमेंट करते हैं। एक टर्म को तीन टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास, तो 100 × 10 1000 हो गया, 1000 sin ωt − 60, ठीक है सर, ये फर्स्ट टर्म हो गया। सर सेकेंड 100 × 2 सर 200 sin ωt सर, ठीक है sin 3 ωt, मेरे को बड़ा मजा आता है बिग बिग कैलकुलेशन लिखने में और देखने में। 100 × 5 सर 500 सर 500 sin ωt 500 sin ωt × sin 5 ωt, सही है सर, सही है, एकदम सही है, चलो कोई बात नहीं। अब सर ये तो 2 sin A sin B का फॉर्मूला लग रहा है सर, 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगेगा सर तीन बार, 2 sin A sin B कितना होता बताओ, cos A − B − cos A + B कितना होता है कि नहीं होता है बताओ, 2 sin A sin B का फॉर्मूला cos A − B − cos A + B होता है कि नहीं, तो 2 sin A sin B cos A − B − cos A + B होता है, अरे माइनस cos A − B − cos A + B होता है, यस सर यस सर यस सर यस, cos A − B − cos A + B नोट नहीं करेंगे बस देखते रहेंगे, यस सर। अब देखना मस्त चीज, मस्त चीज सर, क्या सर यहां पे दो टर्म्स आएंगे, जब सर एक बार सर सब्ट्रैक्ट होगा और एक बार ऐड होगा, सर जब एक बार सब्ट्रैक्ट होगा ना सर तो कॉस ना कॉस सर जब सब्ट्रैक्ट होगा ना तो कॉस 2 ωt आएगा सर, और सर जब ऐड होगा ना तो कॉस 4 ωt आएगा सर, इसमें दो टर्म्स आएंगे, बाकी सबको अब नहीं लिख रहे माइनस बीच में, इट्स ओके, दो टर्म्स आएंगे सर। जब भी आप किसी भी दो साइनोसोडल या कोसाइनोसोडल को मल्टीप्लाई करते हो आपके पास फ्रीक्वेंसी एक ऐड होता है और एक सब्ट्रैक्ट होता है, कोई भी 2 sin A sin B 2 cos A cos B 2 sin A cos B 2 cos A sin B कुछ भी एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, एक बार ऐड करो 2 ω, एक बार सब्ट्रैक्ट करो आपके 2 ω, एक बार ऐड करो 4 ω। सर यहां पे भी बता दो, यहां पे भी क्या होगा आपके पास एक ओमेगा एक 5 है, जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 ω आएगा, cos 4 ωt आएगा, सही है सर, जब ऐड होगा तो cos 6 ωt आएगा सर। ये तो 2 के 4 टर्म हो गए लास्ट में, 2 के 4 टर्म्स हो गए, लेकिन मैं तो बता चुका हूं कि यार टाइम जब किसी भी 0 से 2π में किसी भी साइन और कोसाइन को किसी भी एंगल और किसी भी फ्रीक्वेंसी के साथ इंटीग्रेट करते तो 0 होता है, यस सर आप तो बोले थे सर, तो ये 0 होगा कि नहीं सर, होगा सर, होगा 0 हो गया सर, 4 टर्म 0 हो गए, चलो ठीक है सर। ये क्या हुआ सर, 1000 था सर साइन आपके पास, यहां पे क्या क्या कंपोनेंट आ गए, तो सर यहां पे क्या हुआ पता आपको, ये 500/2π आ गया, उसको 2 को रहने दो, और 2 sin A sin B में सर आप कर लो cos A − B, तो 0 से 2π में सर जब मैं cos A − B करूंगा, cos A − B करूंगा तो सर ये cos 60 आएगा, अच्छी बात है यार, और −cos A + B आएगा सर, और ये 2 ωt − 60 आएगा, ठीक है, और ये d ωt 6 में से पहले इधर के 4 चले गए सर, ये भी 0, कितनी मस्त बात है सर, 2 ωt ये 0 सर। जो दो फंडामेंटल कंपोनेंट होते हैं जब वो ऐड होते हैं तो 2 ωt होता है, वो भी निपटता है, जब दो फंडामेंटल कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं तो ωt कैंसिल आउट होता है और कांस्टेंट टर्म बच जाता है, यस क्या बात है, क्या जब दो फंडामेंटल कंपोनेंट जब मल्टीप्लाई करते हो तो एक बार ऐड होगा एक बार सब्ट्रैक्ट होगा, तो जब ऐड होगा तो 2 ω होगा निपटेगा, एवरेज वैल्यू 0, बट जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ωt कैंसिल आउट होगा तो कांस्टेंट टर्म बचेगा, अगर सर इसमें नहीं होता तो सर ये तो फिर cos 0 हो जाता, 1 आ जाता यार, क्या प्रॉब्लम है, कांस्टेंट नंबर जरूर आएगा जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे फंडामेंटल कंपोनेंट सर, क्या 500/2π सर, 500/2π सर, cos 60 की वैल्यू तो सर 1/2 होता है, और d ωt का इंटीग्रेशन ωt सर, और 0 से 2π पुट कर दो तो सर 2π और 2π तो कैंसिल आउट हो गया सर, तो 500/2 तो 250 वाट आ गया, 250 वाट आ गया, अपन ब्रह्मास्त्र यूज कर लिए, अपने को कोई जानने की जरूरत नहीं है, अपन ये भी कर सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि फंडामेंटल कंपोनेंट्स आपको वो पावर दे सकता है जो ओवरऑल पावर आप निकालते हो, इसलिए इन केस ऑफ हार्मोनिक्स वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द फंडामेंटल कंपोनेंट, ऐसा पावर टाइम्स का टीचर नहीं जान पाएगा, पावर टाइम्स का टीचर ऐसा जान नहीं पाएगा, क्योंकि पावर टाइम्स की बुक में सब नहीं लिखा होता है। यह आ गया 250 वाट, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो आपके पास ये सब 0 0 0 0, ये 2 0,
पता है टोटल छह टर्म थे, छह में से पांच जीरो हो गए, छह टर्म थे, पता है एक टू में एक टू ओमेगा फ्रीक्वेंसी, एक फोर ओमेगा फ्रीक्वेंसी, एक और फोर ओमेगा, एक और सिक्स ओमेगा, एक टू ओमेगा, सब जीरो यार, एवरेज वैल्यू ऑफ एनी साइन कोसाइन एनी फ्रीक्वेंसी एनी एंगल द एवरेज एवरेज वैल्यू दैट मीन द इंटीग्रेशन दैट मीन द एरिया इज ऑलवेज जीरो, एक टर्म बचा था बस आपको। देखो ध्यान से, अब आपको कितना अच्छा लगा मेरा डिस्कशन खत्म इस क्वेश्चन का। अब आप आराम से दो मिनट लो, दो मिनट में जितना लव यू लिखना है, जितना दिल बनाना उतना दिल बनाओ, अपने नोट्स को देखो दो तीन मिनट तक कि अपन इस क्वेश्चन में स्टार्ट कैसे किए, मैं क्या क्या बात किया, क्या अपन कर सकते हैं, कल क्वेश्चन नहीं बनेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब इसका एडवांटेज टीचर लोग लेंगे इंडिया के कि आप लोग लेंगे, वो डिसाइड करना होगा आपको, देखना है। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, ये आपके पास था, क्या था आपके पास, आईआईटी मद्रास से क्वेश्चन था, वो बोला था कि एक कन्वर्टर है, एक कन्वर्टर है, उसका इनपुट वोल्टेज ये दिया था और उस कन्वर्टर से जो करंट फ्लो रहा था, मैं तो कन्वर्टर बना लेता हूँ, क्वेश्चन में सिर्फ कन्वर्टर लिखा था, एक कन्वर्टर लिख लेता हूँ, कन्वर्टर का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब रेक्टिफायर और समथिंग समथिंग, बोला था कि ये देखो एक कन्वर्टर है, तो कन्वर्टर में जो इनपुट वोल्टेज है वी आई वो गिवन था और एक आई आई गिवन था, दोनों की वैल्यू गिवन थी, ठीक है भाई, इनपुट वोल्टेज क्या था आपके पास, बना देते जो इनपुट वोल्टेज था एग्जाम में, कि वी आई की वैल्यू जैसा था वैसे बना देता हूँ, हंड्रेड रूट टू साइन 100 πt वोल्ट, ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल सर, इनपुट करंट की वैल्यू क्या है, इनपुट करंट की वैल्यू क्या है सर, 10√2 साइन 100 πt माइनस पाई बाई थ्री, ये प्लस 5√2, मैग्नीट्यूड कम होते जाएगा, फंडामेंटल कंपोनेंट से हमेशा मैग्नीट्यूड कम होते जाएगा, थर्ड हम देखो 300 πt प्लस पाई बाई फोर, ठीक है, सर नो प्रॉब्लम, प्लस 2√2, देखो मैग्नीट्यूड कम होते जा रहा है, 2√2 साइन, और जब भी ये लोग कंपोनेंट देते ना तो ये थर्ड हार्मोनिक्स और फिफ्थ हार्मोनिक्स देते हैं, इसका मतलब ऑड हार्मोनिक्स आपके पास हो, करंट का वेवफॉर्म देते हैं, ये स्टाइल है ओवरऑल, तो अपने को तो स्टोरी पता होना चाहिए, अपने को तो लगना चाहिए अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, ये बोला कि एक्टिव पावर, चलो लिख लेता आपके पास जो था आपके पास, कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपके पास एक्टिव पावर, अब आपकी बारी, द एक्टिव पावर ड्रॉन बाय द कन्वर्टर, ऑप्शन थे कि मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, किसी के पास बुकलेट होगा तो उसको ऑप्शन दिख जा रहे होंगे, अलग बात है, बट मैं जो बुकलेट दिया उसमें आंसर नहीं दिया, एक क्वेश्चन ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था लेकिन मैं हटा दिया, एक्टिव पावर ड्रॉन बाय द कन्वर्टर इज कितना वॉट आएगा आपके पास, ये था पूरे ऑप्शन वॉट में थे, सेकंड क्या था, द इनपुट पावर फैक्टर ऑफ द कन्वर्टर इज, द इनपुट पावर फैक्टर, द इनपुट पावर फैक्टर ऑफ द कन्वर्टर ऑफ द कन्वर्टर इज द इनपुट पावर फैक्टर। अब ना अब मैं बोला कि यार इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट है, पता आपके पास ये है फंडामेंटल कंपोनेंट, ये है फंडामेंटल कंपोनेंट, ये है थर्ड हार्मोनिक्स यार, और ये है फिफ्थ हार्मोनिक्स, पता आपके पास ये है फंडामेंटल कंपोनेंट, जब मैं फंडामेंटल कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करूंगा, आपके पास पता है फंडामेंटल कंपोनेंट को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक ना जीरो फ्रिक्वेंसी वाला कंपोनेंट आएगा, एक टू ओमेगा नॉट वाला आएगा, फिर फंडामेंटल को जब थ्री ओमेगा नॉट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ना तो एक टू ओमेगा नॉट आएगा और एक फोर ओमेगा नॉट आएगा, फिर ओमेगा नॉट को मल्टीप्लाई करूंगा फाइव ओमेगा नॉट के साथ तो फोर ओमेगा नॉट आएगा और एक आएगा सिक्स ओमेगा नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, ऑल टर्म्स आर कैंसिल आउट, फोर ओमेगा नॉट के दो टर्म कैंसिल आउट, टू ओमेगा नॉट के दो टर्म कैंसिल आउट, इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ जो फंडामेंटल कंपोनेंट आएगा, दैट मीन्स टू साइन ए साइन बी में 100 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो 100 और 10 का मल्टीप्लाई हुआ आपके पास 1/2π यार, 1/2π, 0 से 2π, 0 से 2π 1000, और वो 2 sin A sin B का फॉर्मूले में लग गया, √2 × √2 होता है तो 2 sin A sin B हो गया, 2 sin A sin B cos A - B होता है, और cos A - B मेरे काम का था क्योंकि जब मैं cos A - B करूंगा ना तभी DC टर्म्स आएगा, और cos A - B से 100 πt कैंसिल आउट हो गया और एक cos π/3 आ गया, और cos π/3 60 होता है और dω t आ गया, इसका मतलब है कि 1000 आ गया, फिर cos 61/2 आ गया, और dω t का ω t इंटीग्रेशन आ गया, 0 से 2π पुट किए यार, और 1/2π तो था ना, तो 2π कैंसिल आउट हो गया, आंसर विल बी 500 वॉट, तो मजाक होना चाहिए आपके पास, कोई IIT का प्रोफेसर सोचे हाउ, अरे कर लेंगे भाई, कर लेंगे, थॉट प्रोसेस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई नहीं करेगा ऐसा, पावर डांस का टीचर विचर नहीं कर पाएगा ऐसा, पावर डांस का टीचर नहीं कर पाएगा ऐसा, समझ आ रहा है, हाँ, तो जब आप दिल से टेक्निकल चीज़ों को प्यार करोगे तो सब चीज़ें आ जाएगी,
सब चीज आ जाएगी, बोला ये आ गया ना यार। तो बोले सर वो उस स्टाइल से करो मजा आता है, तो चलो उस स्टाइल से कर देते भाई। एवरेज पावर इज द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज, फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ करंट और फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज इज ऑलवेज द फंडामेंटल कंपोनेंट। 100 रूट टू डिवाइड बाई रूट टू किया ना, तो 100 हो गया यार। आरएमएस वैल्यू 100 रूट टू डिवाइड बाई रूट टू किया, ठीक है। फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ करंट यार 10 रूट टू डिवाइड बाई रूट टू किया ना। और फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर द एंगल बिटवीन फंडामेंटल कंपोनेंट, तो कॉस 60 द कॉस 5/3, तो क्या प्रॉब्लम है, आ गया 500 वॉट आ जाएगा। आंसर आना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मेरे लिए तो फीलिंग इंपॉर्टेंट होती कि हम क्या जानते हैं, क्या जानते हैं इंपॉर्टेंट होता है। नहीं आ गया 500 वॉट। अब कोई बोल रहा है इनपुट पावर फैक्टर ऑफ द कन्वर्टर, तो कॉस 5/1 अगर कोई बोल दे रहा है कि कॉस 5/1 होता है तो गलत हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। फिर बोल रहा था कि अगर आप इनपुट पावर फैक्टर अगर आप जानना चाहते हो, जिसको आप सप्लाई पावर फैक्टर बोलते हो, तो बड़ा मस्त है, करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर इनटू फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। पता है करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर ना I1 RMS होता है यार, जिसकी वैल्यू पता है, और ये IRMS होता है टोटल RMS करंट, और फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर ना cos 5/1 होता है, और cos 5/1 जिसकी वैल्यू cos 60 डिग्री है, तो I1 RMS की वैल्यू तो आपको पता है कि करंट का फंडामेंटल कंपोनेंट का RMS वैल्यू 10 है, तो 10/IRMS, इसका मतलब है कि टोटल RMS करंट निकालना पड़ेगा, और cos 60 तो 1/2 है। यस, तो आपको ना सप्लाई पावर फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी, करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर की वैल्यू बस फाइंड आउट कर लो। तो करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर की वैल्यू आपको टोटल आरएमएस करंट आपको चाहिए यार। टोटल आरएमएस करंट के लिए मैं बोला था कि I1 आरएमएस का स्क्वायर कर लेना, थर्ड हार्मोनिक्स का स्क्वायर कर लेना, ये काम की चीज़ है, और ये फिफ्थ हार्मोनिक्स का आपके पास ये कर लेना, आपके पास ये काम की चीज़ है। जब फंडामेंटल कंपोनेंट का जब आप आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर कर रहे थे तो 10√2 था, दैट मींस 10 है, जब जानबूझ के √2 दिए कि √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मजा करो करके, तो ये 5 का स्क्वायर √2 कैंसिल आउट हो गया, थर्ड 2√2 था तो 2 का स्क्वायर हो गया यार, तो 25 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये 100 हो गया, 129 कुछ आ रहा है आपके पास IRMS की वैल्यू, IRMS की वैल्यू। तो करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर जो है आपके पास 10/√129 चेक करना, और इंटू 0.5, कितना आंसर आ गया इनपुट पावर फैक्टर 0.4 आ रहा है 0.44 आ गया। तो ये क्वेश्चन कल अगर आएगा तो अपन कर लेंगे कि नहीं, बताओ यू आर कंफर्टेबल और नॉट। पता कितनी भी टफ चीज़ हो उसका स्टाइल बड़ा गुड होना चाहिए, तो टफ चीज़ें आसान हो जाती है। अब अगर मैं ही बोलना चालू कर दूं कि टफ चीज़ें, तो आपको लगेगा भाई सर को भी टफ लग रहा है, तो भाई हमारा क्या होगा। तो कई टीचर लोग का प्रॉब्लम है, वो बोलते हैं बहुत टफ है, अरे भाई टफ होगा आप, अगर आपको टफ लग रहा है तो स्टूडेंट को ईजी कैसे लगेगा यार। सबसे पहला चीज़ तो एक टीचर को ईजी लगना चाहिए। अगर हमारे पेरेंट्स को लगेगा कि भैया हम बच्चों को सेफ्टी नहीं दे सकते, तो अगर पेरेंट्स फील कर लेंगे तो बच्चा तो वैसे भी मतलब सेफ ही नहीं रहेगा, समझ ना। हम जब किसी मेले में जाते हैं, किसी मॉल में घूमने जाते हैं, और एक 7 साल का बच्चा अपने पापा या मम्मी का हैंड क्यों पकड़ता है, क्योंकि उसको पता है पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सेफ चीज़ है वो मम्मी और पापा का हैंड है, वो पकड़ के रखना आप तो दुनिया से डर नहीं है करके। लेकिन अगर आप ही को अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपके बेटे को कैसे कॉन्फिडेंस होगा। इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी चीज़ें। जितने लोगों का भी आंसर आया अपने लिए अपने आप को अप्रिसिएट कर लो, अपने आप को अप्रिसिएट कर लो। और भी बात करने वाला हूँ आज, बहुत सारा मौका देने वाला हूँ, अपने आप को अप्रिसिएट करो, अपने आप को अप्रिसिएट, मेरे लिए नहीं, ये सब चीज़ें आप सीख गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये चीज़ तो मेरे को आता था ना, लेकिन मज़ेदार क्या बात है कि मेरी चीज़ें मैं आपको ट्रांसफ़र कर दिया, कितनी अच्छी बात है। मैं इतना मेहनत से सीखा, सालों से अच्छी अच्छी चीज़ों को कनेक्ट किया, और कितने कम समय में मैं आपको ट्रांसफ़र कर दिया, और क्या चाहिए यार। नहीं और क्या चाहिए, अपने आप को अप्रिशिएट करते आना चाहिए।